हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसे रही और आप लोग कितनी देर तक जागे हो। भाई देखो, मैं तो यहाँ पर सुबह के 4 बजे तक जागा था, तो अभी भी भाई स्टिल मेरे को थोड़ा सा मतलब नींद आ रहा है। तो ये वीडियो बनाकर मैं सीधे सोने ही जाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने बजे तक जागे थे। बाय द वे चले गए, आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ हमारे इस मंथ आने वाले डिस्काउंट इवेंट की। अभी देखो आप लोगों को पता होगा नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को डिस्काउंट इवेंट कब तक देखने को मिलेगा, कौन सा डिस्काउंट इवेंट आएगा, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसी के साथ में गेम के अंदर काफी कमाल कमाल के इवेंट्स कंफर्म हो चुके हैं, मैं आप लोगों को डेट वाइज सारे इवेंट के बारे में चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे 2 नेट अपडेट से, कल कौन सा न्यू इवेंट हमारे गेम के ऊपर आएगा, तो इसका ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो। कल 2 नवंबर है, तो आप लोगों को गेम के अंदर नया इवो वोल्ट इवेंट देखने को मिलेगा। अभी देखो मैं आप लोगों को रिव्यू इसका मतलब बहुत ही पहले करा दिया था, लेकिन आज का 2 नेट अपडेट है तो भाई मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। सो आप लोग इसका रिव्यू देख सकते हो यहाँ पर। मेन जो यहाँ पर न्यू गन आने वाली है ड्रेको, यहाँ पर AK आएगी और M4A1 का स्किन आएगा, ये 2 यहाँ पर नई आने वाली है, कल आप लोगों को मिल जाएगी। एंड 2 अभी जो चल रही है N94 और MP5, वो आप लोगों को वैसे की वैसे देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा आज का 2 नेट अपडेट, मैं आप लोगों को 2 नेट अपडेट बता दिया जो कि 2 नवंबर को आएगा। 3 नवंबर को हमारे गेम के ऊपर आएगा 100 डायमंड बोनस टॉप अप। तो जी हाँ भाई, मैं आप लोगों को इसका भी अपडेट 2 दिन पहले ही दे दिया था, तो आप लोग इसका ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 100 डायमंड बोनस टॉप अप दिवाली स्पेशल देखने को मिल जाएगा 3 नवंबर को आने वाले। मैं आप लोगों को बहुत समय पहले इसका अपडेट दिया था, लेकिन डेट में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसा बोला था कि आप लोगों को 20 से 30 मतलब अक्टूबर के बीच में मिल जाएगा, लेकिन इवेंट आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिला है, नवंबर मंथ के अंदर आप लोगों को मिला है, लेकिन आया वही सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो इस टाइप का आप लोगों को इवेंट मिलेगा। फिर 4 नवंबर को गाइस हमारे गेम के ऊपर एक फेडरेबल इवेंट कंफर्म हुआ है। जी हां भाई, 4 नवंबर को फेडरेबल इवेंट आएगा, इसका यहां पर ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो। ओरियन का यहां पर स्किल स्किन का फेडरेबल इवेंट आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई कुछ इस टाइप से ओरियन का स्किल रखा जाएगा। इसी के साथ में ओरियन की कुछ यहाँ पर जो थीम आइटम्स है उनको शायद यहाँ पर दिया जा सकता है। तो जी हाँ भाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का आप लोगों को फेडरेबल इवेंट हमारे गेम के ऊपर नजर आ सकता है। एंड भाई देखो, ओरियन का जो कैरेक्टर है ना वो यहाँ पर बेस्ड है स्कॉर्पियो के थीम पर, मतलब स्कॉर्पियो का अलग इवेंट आया था आप लोगों को याद होगा। तो भाई यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि इसी नवंबर मंथ के अंदर ही आप लोगों को हमारा स्कॉर्पियो बंडल भी रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी देखो 4 नवंबर को ओरियन का स्किल का फेडरेबल इवेंट आ रहा है, तो भाई यहाँ पर चांसेस है कि आप लोगों को इसी नवंबर मंथ के स्टार्टिंग वीक में ही हमारा जो स्कॉर्पियो बंडल है वो रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल पोस्टर गेम के फाइल के अंदर ऐड हुआ नहीं है। अगर पोस्टर ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को विथ यहाँ पर ऑफिशियल पोस्टर कंफर्म डेट बता दूंगा कि हमारा स्कॉर्पियो बंडल कब रिटर्न आएगा, लेकिन हाँ मुझे जितनी अपडेट मिली थी मैं आप लोगों को बता दिया कि इसी नवंबर मंथ के अंदर जो हमारा स्कॉर्पियो बंडल है वो आप सभी लोगों को रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसका इंतजार है कि नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप लोगों को पता होगा 3 नवंबर को हमारा जो दिवाली का गिव वे है वो खत्म हो जाएगा, जो इमोट का यहाँ पर मतलब गिव वे चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जैसे फेदर ओड़ा एनिमेशन का गिव वे देखने को मिला था, उसके बाद जैसे आप लोगों को उसका मतलब फेडरेबल इवेंट मिला, तो उसी तरह से जो ये इमोट अभी चल रहा है उसका मतलब गिव वे खत्म होगा, उसके तुरंत बाद गाइस यहाँ पर चांसेस है कि उसका फेडरेबल इवेंट, नहीं तो आप लोगों को इस टाइप से मोको स्टोर इवेंट देखने को मिल सकता है। ये बुलेट वाला एनिमेशन इमोट आप लोगों को पता होगा गिव वे के अंदर चल रहा है। भाई देखो, मैं बोला था ना कि थोड़ा मैं नींद में हूँ। तो भाई यहाँ पर इसका भी आप लोगों को फेडरेबल इवेंट नहीं तो मोको स्टोर इवेंट इंडिया सर्वर के ऊपर बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर गिव वे के अंदर किसी भी प्लेस को नहीं मिला तो निराश मत होना, डायमंड से भी आप लोग ये वाला इमोट को निकाल सकोगे, लेकिन इसका अभी तक इवेंट कंफर्म नहीं हुआ है। जहां तक मुझे लगता है तो आप लोगों को फेडरेबल मिल सकता है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर जो मोको स्टोर का मैं रिव्यू कराया मोको स्टोर के अंदर में मिल सकता है, अदरवाइज आप लोगों को इमोट रॉयल के अंदर भी ये जो इमोट है वो नजर आ सकता है। इवेंट कंफर्म हो जाने दो, कंफर्म हो जाएगा तो ऑफिशियल बैनर के साथ में आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म डेट इसका बता दूंगा। बाकी अभी मेरे पास अपडेट आई थी ये इमोट को लेकर कि ये इमोट आप लोगों को बहुत ही जल्द गेम के अंदर मिलेगा, सो मैं आप लोगों को इसका अपडेट दे दिया। इसके बाद में चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर तक मैं आप लोगों को इवेंट बता दिया था, इसके बाद में 5 नवंबर को यहाँ पर ब्रेक लेके घर आने वाले, थोड़ा
थोड़ा सा मतलब उनको भी छुट्टी चाहिए ना, तो 5 नवंबर को कोई इवेंट नहीं आएगा। 6 नवंबर को हमारे गेम के ऊपर आएगा ग्लू वॉल रॉयल, इसका ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो। जी हाँ भाई, ये ऑफिशियल पोस्टर है हमारा बुया डे का 2024 का, जो यहाँ पर लेजेंडरी ग्लू वॉल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ में 3 और ग्लू वॉल की स्किन मिल जाएगी, यहाँ पर फ्लोरर फ्लेयर ऐसा कुछ ग्लू वॉल का नाम है, आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों को मिल जाएगी। बुया डे की ओल्ड ग्लू वॉल की स्किन यहाँ पर है, इसका भी आप लोग रिव्यू देख सकते हो, काफी सारे प्लेयर्स के पास ऑलरेडी होगी। तो ये बुया डे की आप लोगों को मिल जाएगी। एंड ड्रैगन सील नाम की ये भी काफी ओल्ड ग्लू वॉल की स्किन है। तो इस टाइप की 4 यहाँ पर ग्लू वॉल की स्किन आने वाली है, जिसका मैं आप लोगों को काफी समय पहले अपडेट दिया था कि वॉल्ड रॉयल आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का वॉल्ड रॉयल इवेंट आएगा, जो कि आप लोगों को मिलेगा 6 नवंबर को। फिर 7 नवंबर को गरेना वाले वापस से ब्रेक लेंगे, चाय वाय पिएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। फिर 8 नवंबर को गाइस हमारे गेम के ऊपर एक नया सा रिंग इवेंट आप लोगों को मिलेगा, बुया डे स्पेशल है ये जो रिंग इवेंट है हमारे गेम के ऊपर आने वाला है। इसके अंदर 3 या फिर 4 आइटम को रखा जाएगा, जहां पर जो मेन प्राइज रहेगा बुया कैप्टन बंडल, आप लोग इसका यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो। काफी कमाल का इसका एनिमेशन है, बंडल का लुक भी यहाँ पर ठीक ठाक सा होने वाला है। तो ये बंडल आप लोगों को मिलेगा, बंडल के साथ साथ यहाँ पर थॉमसन का लेजेंडरी स्किन, जो कि यहाँ पर आप लोग इसका रिव्यू देख सकते हो, ये थॉमसन का स्किन भी आप लोगों को मिलेगा। एंड जो आगे मैं आप लोगों को मेल बंडल दिखाया था, वो मेल बंडल का फीमेल वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 आइटम तो कंफर्म है आप लोगों को मिल जाएगी, इसके अलावा भी बुया डे की और आइटम्स आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पर उनको दिया जाएगा एक्सचेंज स्टोर के ऊपर। तो इस टाइप का रिंग इवेंट कुछ यहाँ पर आया है, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा हमारे गेम के ऊपर 8 नवंबर को। फिर भाई 9 नवंबर को वापस से गरेना वाले ब्रेक लेंगे, 10 नवंबर को टॉप ऑफ इवेंट आने वाले, लेकिन उसका यहाँ पर अभी पूरा मुझे एक्सेस नहीं मिला है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरा टॉप ऑफ इवेंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं कल की वीडियो के अंदर या फिर परसों की वीडियो के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट का भी पूरा रिव्यू करा दूंगा। तो ये हमारे गेम के ऊपर 2 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक इवेंट आने वाले थे, सभी इवेंट का मैं आप लोगों को डेट वाइज यहाँ पर मतलब रिव्यू करा दिया कि कौन सा इवेंट कौन से डेट पर आप लोगों को मिलेगा। अभी चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो के अगर हम लोग मेन टॉपिक की बात करें कि भाई इस मंथ कौन सा डिस्काउंट इवेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो भाई देखो यहाँ पर बुया डे स्पेशल काफी हाईली चांसेस है कि इंडिया सर्वर के ऊपर गाइज आप सभी लोगों को मिल सकता है लकी व्हील इवेंट। तो जी हाँ भाई, लकी व्हील इवेंट आने के बहुत ही हाईली चांसेस है। एंड आप लोग यहाँ पर जो लकी व्हील इवेंट का रिव्यू देख रहे हो ना, ये सेम लकी व्हील इवेंट नहीं आएगा, लेकिन जो मेन बंडल है ना यहाँ पर व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, एरोफ्लेक्स बंडल का नाम है। तो भाई ये एरोफ्लेक्स बंडल और इसका फीमेल वर्जन बहुत सारे सर्वर के ऊपर हम लोगों को मिले हैं, बाहर के जितने भी सर्वर में चेक किया वहां पर बुया डे स्पेशल अगर डिस्काउंट इवेंट मिला है ना, तो कुछ सर्वर के ऊपर लकी व्हील इवेंट मिला है, कुछ सर्वर के ऊपर मिशी शॉप मिला है। तो बुया डे स्पेशल जिस भी सर्वर के ऊपर डिस्काउंट इवेंट आए वहां पर मोस्टली ये जो बंडल है इनको रखा गया है। तो इंडिया सर्वर के ऊपर चांसेस है कि ये जो एरोफ्लेक्स बंडल है इसी को यहाँ पर लकी व्हील इवेंट के अंदर जो ग्रैंड प्राइज होते हैं उसी तौर पर रखा जाए, अदरवाइज यहाँ पर बंडल्स चेंज हो गए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर से रिव्यू करके बता दूंगा। ऑफिशियल पोस्टर का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी रही बात यहाँ पर कन्फर्म डेट की कि आखिर कब तक हमारे गेम के ऊपर लकी व्हील इवेंट आ जाएगा, तो भाई देखो हर मंथ स्टार्टिंग में आप लोगों को लकी व्हील इवेंट मिल जाता है, तो 4 से 6 नवंबर के बीच में आप लोगों को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा अगर लेट से गरेना वाले देते हैं तो 12 से 15 नवंबर के बीच में बड़े आराम से आप लोगों को लकी व्हील इवेंट है हमारे इंडिया सर्वर के ऊपर और साथ ही बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऑफिशियल बैनर मेरे हाथ जैसे ही लग जाएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफिशियल बैनर भी दिखा दूंगा, रिवर्स भी कंफर्म कर दूंगा एंड आप लोगों को डेट भी बता दूंगा कि कौन से डेट के ऊपर हमारा लकी व्हील इवेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इवेंट के अंदर भी कुछ चेंज होता है तो वो भी मैं आप लोगों को जब भी बैनर आ जाएगा तब रिव्यू करके बता दूंगा कि भाई ये इवेंट यहाँ पर हमारे गेम के ऊपर नेक्स्ट में आने वाला है। बाकी अभी जो मेरे पास अपडेट आई थी मैं आप लोगों को बता दिया, लकी व्हील इवेंट आने के बहुत ही हाईली चांसेस है, तो मैं आप लोगों को लकी व्हील इवेंट का पूरा रिव्यू करा दिया। अभी चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहां पर हमारे गेम के ऊपर। बहुत ही जल्द गाइज आप लोगों की पसंदीदा जो गन्स है लाइक आप लोग बोल लो इसको कि इंक्यूबेटर की जो ओल्ड गन स्किन है उनको बहुत ही जल्द रिलॉन्च किया जाने वाला है। तो कौन कौन सी यहाँ पर गन स्किन रिटर्न आने वाली है चलिए मैं आप लोगों को वो सारी गन स्किन की यहाँ पर मतलब रिंग इवेंट का रिव्यू करा देता हूँ। तो भाई फर्स्ट में तो आप लोगों को यहाँ पर पोकर MP40X पम्पकिन एक्सेमेट का रिंग इवेंट मिल सकता है। तो जी हाँ भाई, ये रिंग इवेंट की मेरे पास बहुत ही अपडेट आई है कि भाई इस टाइप का आप लोगों को एक्स रिंग इवेंट हमारे गेम के ऊपर नजर आ सकता है, जहां पर पम्पकिन
एक्सेमेट और पोकर MP40 को रिटर्न किया जाएगा। लेकिन भाई मैंने जहां तक नोटिस किया है तो पोकर MP40 जब भी रिटर्न आई है तो भाई एक्स रिंग इवेंट के साथ नहीं आई है, आप लोगों को अकेली ही मिली है। तो आप लोगों को यहां पर अकेली ही हमारी पोकर MP40 मिल सकती है। एक्सेमेट को यहां पर किसी और जो गन का इंक्यूबेटर है उसके साथ रिलॉन्च किया जा सकता है, लेकिन हाँ पोकर MP40 एक्सेमेट का यहां पर जो रिंग इवेंट है वो आप लोगों को यहां पर पॉसिबल है कि आने वाले अपडेट के अंदर आप लोगों को मिल सकता है। इसी के साथ में यहां पर कुछ इंक्यूबेटर के गन स्किन का मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारी M87 की स्किन है, जिसको आप लोग बस्ट वाली M87 की स्किन बोल सकते हो, ये इंक्यूबेटर की गन स्किन नहीं है, बट इंक्यूबेटर एंड हुआ था उसके बाद आप लोगों को ये किसी एक वेब इवेंट के अंदर मिली थी। तो भाई ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ सकती है, इसका रिंग इवेंट आप लोगों को मिल सकता है एंड इसके साथ भी अदर कोई गन को यहाँ पर डाला जा सकता है। इसके बाद में आती है थॉमसन का इंक्यूबेटर। तो जी हाँ भाई, थॉमसन का इंक्यूबेटर आप लोगों को याद होगा, तो ये भी आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल सकता है, यहाँ पर इसका भी फुल रिव्यू देख सकते हो। ग्रोजा का इंक्यूबेटर आप लोगों को रिटर्न मिल सकता है, इसके भी रिटर्न आने के बहुत ही हाईली चांसेस है। तो ग्रोजा का इंक्यूबेटर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप का रिंग इवेंट आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ में मेक 10 का जो रिंग इवेंट आप लोगों को याद होगा, ये भी आप लोगों को इंक्यूबेटर के अंदर मिली थी, मतलब इंक्यूबेटर नहीं आया था, इंक्यूबेटर के बाद आप लोगों को ये रिंग इवेंट के अंदर ही फर्स्ट टाइम मिली थी। तो इसको भी यहाँ पर रिंग इवेंट के अंदर रिटर्न किया जा सकता है। ओक का यहाँ पर रिंग इवेंट आप लोग देख सकते हो, जो कि रैम्पेज के थीम पर आई थी। ये कुछ यहाँ पर इंक्यूबेटर के गन स्किन का मैं आप लोगों को अपडेट दिया, इनको गाइस बहुत ही जल्द गेम के अंदर रिलॉन्च किया जाएगा। इसमें से कुछ आप लोगों को इसी अपडेट के अंदर मिल जाएगी एंड कुछ आप लोगों को आने वाले हमारे OB47 अपडेट के अंदर देखने को मिलेगी। अभी तक इनके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल यहाँ पर बैनर वगैरह कुछ भी यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इन सभी गन स्किन को कब रिटर्न किया जाएगा, लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी गन का इंतजार है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही मेरे पास इनके रिगार्डिंग ऑफिशियल यहाँ पर बैनर वगैरह या फिर कन्फर्म मेरे पास यहाँ पर मतलब अपडेट वगैरह आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इन सारी गन स्किन को कब हमारे गेम के ऊपर रिलॉन्च किया जाएगा। बाकी फिलहाल मेरे पास जितनी अपडेट आई थी कि कौन कौन सी गन स्किन को बहुत ही जल्द रिटर्न किया जाने वाला है, मैं आप लोगों को सारी गन स्किन के यहाँ पर मतलब नाम बता दिया एंड रिव्यू भी करा दिया कि भाई ये सारी गन स्किन को बहुत ही जल्द रिलॉन्च किया जाएगा। तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को मैं जो ये सारी गन स्किन बताया इनमें से आप लोगों की फेवरेट गन स्किन कौन सी है। मेरी बताओ तो भाई यहाँ पर पोकर MP40 मेरी काफ़ी मतलब बेस्ट है एंड एक्जेमेट भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो ट्राई करूँगा मैं निकालने की। बाकी आप लोगों की इसमें से कौन सी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं कराए चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कराए तो चैनल को लगे आज सब्सक्राइब भी कर लेना एंड उसी के साथ में बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सको। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।